गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आप लोग कैसे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये मॉर्निंग का टाइम है और मतलब मेरे मॉर्निंग के मतलब मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह बन चुका था और यहाँ पे नहाना वहाना भी हो गया था, तो तकरीबन 9 बज रहे थे। तो मैं यहाँ पे बेड वगैरह ठीक कर रही थी, थोड़ा डस्टिंग वगैरह कर रही थी, क्योंकि ये सब ना मॉर्निंग में करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि मॉर्निंग में तो काफ़ी हड़बड़ाहट होती है बच्चों को, स्कूल, टिफिन, लंच, ब्रेकफास्ट, झाड़ू पोछा, बर्तन, पूजा, नहाना वहाना, तो ये सारे काम रहते हैं। तो डस्टिंग वगैरह मैं दिन में ही करती हूँ और ये सब सारे काम तो मतलब रोज़ ही करने पड़ते हैं। अगर एक दिन भी डस्ट ना मतलब डस्टिंग ना करो ना, तो काफ़ी धूल वगैरह ना ये हो जाता है, जम जाता है। तो वही मैं कर रही थी। तो मतलब मैं क्या होता है ना कि मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ कर लेती हूँ, मतलब एक दो दिन गैप करके कर लेती हूँ। कभी किचन कर लेती हूँ, कभी वो रूम कर लेती हूँ, कभी हॉल कर लेती हूँ, तो ऐसे ही करती हूँ। और ये ना जब जैसे जब मैं फ्री होती हूँ ना, हम भी जो ऑफिस चले जाते हैं तो उस टाइम पर मैं फ्री होती हूँ, तो एक बस कॉटन का कपड़ा मैं ले लेती हूँ, उसको हल्का गीला कर देती हूँ और उसके बाद उसी से मैं सारा पोंछ देती हूँ बहुत अच्छे से। और बहुत अच्छे से ना साफ़ भी हो जाता है और ख़ुद में भी लगता है ना, अगर साफ़ वगैरह हो जाता है तो खुद में भी लगता है कि चलो अच्छे से साफ़ हो गया। और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मैंने पराठा और मैंने सब्जी बनाई थी, सॉरी भुंजिया आलू की, और मुझे लंच बनाना था, तो लंच मैं थोड़ा आराम से बनाऊंगी। और अभी उसके बाद बच्चों को स्कूल से भी लाना है, तो उसके पहले मैं फटाफट ये सारे काम कर रही थी। तो यहाँ पे कबर्ड वगैरह भी ना काफ़ी डस्ट वगैरह हो गया था, वही मैं साफ़ कर रही थी। सारे काम ना इतने मतलब रोज़ हो जाते हैं ना डस्ट वगैरह, मुझे समझ भी नहीं आता ना कि रूम के अंदर इतना डस्ट आ कहाँ से जाता है। तो यहाँ पे डोर वगैरह भी मैं साथ ही साथ क्लीन कर रही थी। मैं ना मॉर्निंग में मतलब सोचती हूँ कि मुझे आज यहाँ पे क्लीन करना है, यहाँ पे जैसे काम वाम करने के बाद, तो मैं ये ना टारगेट लेके चलती हूँ कि मुझे आज ये रूम क्लीन करना है, डस्टिंग करना है। और झाड़ू पोछा वगैरह ना मॉर्निंग में ही मतलब 5 बजे ही हो जाता है, तो झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह हो जाता है, उसके बाद डस्टिंग या रूम सेट करना, ठीक करना, ये मैं दिन में करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि ये सब अगर मॉर्निंग में करने बैठो ना, तो खुद का भी मतलब शेड्यूल बहुत गड़बड़ सड़बड़ सा हो जाता है, पूजा वगैरह टाइम से नहीं होता। तो मेरा बस मेन ये होता है कि झाड़ू पोछा मॉर्निंग में एकदम फटाफट कर दो, फिर ब्रेकफास्ट बना लो, नहा वा लो, पूजा वगैरह कर लो, सारे ये सब जैसे पूजा वगैरह टाइम से कर लो, उसके बाद ये सब दिन में करते रहो, क्योंकि ये सब काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, एक हाउस वाइफ की तो मतलब यही है। और उसके बाद मैं फटाफट इसलिए कर रही थी कि मुझे फिर बच्चों को स्कूल लाने के लिए भी जाना था। और मौसम ना बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अजीब सा गंदा सा था, सॉरी, बहुत गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप थी और अचानक से मौसम पता ही नहीं चला कब चेंज हो गया, जैसे ही मैं घर से निकली थी। यहाँ पे विंडो वगैरह भी मैं साफ़ कर रही थी। और कभी कभी ना बिल्कुल मन नहीं होता है तो मैं कभी कभी छोड़ भी देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रेगुलर सफाई करती हूँ, क्योंकि मैं अकेले हूँ, मुझे ही करना होता है, तो मैं अपने मतलब टाइम के हिसाब से ही सफाई करती हूँ। ये कुछ ये नहीं है कि हाँ आज करना है तो करना है। और होता है ना रेगुलर सब काम करो तो थोड़ा थकान सी भी हो जाती है, सारा काम हो जाता है ना, बच्चे हैं, स्कूल है, ऑफिस, और फिर मदर इन लॉ है, उनको भी देखना होता है सारा कुछ टाइम से, डॉक्टर के पास ले जाना, उनकी दवाइयाँ वगैरह, खाना टाइम से। और मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल चल नहीं पाती हैं, बस वो एक जगह वो सोई रहती हैं, या फिर उनको उठा कर बैठाया जाता तो वो बैठती हैं, उनका सारा मतलब कुछ वो खुद से नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो पैर से नहीं चल पाती हैं, तो उनका भी सारा कुछ देखना होता है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइस, आज दिन है वेडनेसडे और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11 बज चुका है, और मेरे मतलब मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं, सारे काम, बस अब मुझे लंच बनाना है। तो अभी जो ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए हैं, और अभी मैं जाऊंगी बच्चों को स्कूल से लेके आऊंगी, तो 12 बजे मैं जाऊंगी, उसके पहले अभी देखती हूँ, मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे लंच में बनाना है कच्चे केले के कोफ्ते, तो आज मैं रेसिपी शेयर करूँगी। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा, मुझे बच्चों को लाना है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है गाइस, बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, धूप बहुत ही तेज़ है। तो जा रही हूँ, आने के बाद आप लोगों से बातें करूँगी और देखिएगा, रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ कच्चे केले के जो कोफ्ते होते हैं, और भी कुछ शेयर करूँगी, उसकी चटनी वगैरह जो
उसका जो केला का जो छिलका होता है उसकी चटनी वगैरह जो कि हम लोग फेंक देते हैं। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में गाइज आप लोगों को, तब तक वीडियो में बने रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय। गाइज मैं आप नीचे आ गई हूँ और ये है मेरी स्कूटी, और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लाने, और मौसम थोड़ा ख़राब सा हो गया है तो फटाफट मैं आती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। थोड़ी देर वीडियो में बने रहिएगा और मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं बच्चों को लेके आ रही थी तो बहुत तेज़ से बारिश आ गई थी, तो मैं तो पूरी तरह से भीग गई थी। तो यहाँ पे मैं स्कूटी साइड में लगाकर थोड़ी देर यहाँ पे मैं बैठ गई थी ताकि बच्चे ना भींगे, क्योंकि मौसम ऐसा है ना कि थोड़ा सा मैं सर्दी जुकाम हो जाता है। और देखो मैं घर आ गई थी तो मुझे ना कोफ्ते बनाने थे, कच्चे वाले जो केले होते उसके कोफ्ते बनाने थे। तो यहाँ पर मैं फटाफट, क्योंकि लेट हो गया था बारिश की वजह से, तो यहाँ पर मैं मतलब केले को उबाल रही हूँ। बस एक सीटी लगाऊंगी, और क्योंकि ज़्यादा नहीं गलाना, एक सीटी में अच्छे से गल जाता है। और देखो यहाँ पे मैंने छील लिया, और ये ना इसकी मैं चटनी बनाऊंगी तो वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पे देखो मैंने मसाले के लिए प्याज अदरक लहसुन जो भी होता है, हरी मिर्च, वो उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्पीड बढ़ा दिया है गाइस। और यहाँ पे देखो केले को मैंने मैश कर लिया अच्छे से, और इसमें मैं जो नमक, जो बेसिक मसाले हैं, हल्दी, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा 2 बड़े चम्मच मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी, लेकिन बेसन को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये थोड़ा ना कड़ा भी हो जाता है, जो सॉफ्ट कोफ्ते जो होते हैं वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो थोड़ा बेसन कम ही डालना होता है इसमें। अब थोड़ा सा मैं इसमें तेल भी डालूंगी जिससे कि थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे कोफ्ते, और इसके मैं बॉल्स बना लूँगी छोटे छोटे। देखो मैंने बॉल्स बना लिया है, और इसे मैं ना अब फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड डाल दिया था, तेल गर्म हो गया है, तो मतलब आँच को एकदम वही मीडियम ही रखना है ताकि कोफ्ते अंदर से बहुत अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे काफ़ी लेट हो रहा था तो मैंने दूसरी कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, इस पर मैं मसाले बना लूँगी। तो मैंने जीरा, लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग मैंने यहाँ पे फोड़न डाल दिया है, और जीरा जब बहुत अच्छे से चटक जाए तो मैं इसमें जो मैंने मसाले का पेस्ट बना के रखा हो तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। इधर कोफ्ते बनते रहेंगे, इधर मेरे मसाले भी इधर पकते रहेंगे। तो इससे क्या होता है ना, कभी कभी हड़बड़ाहट में मैं ऐसे ही बना देती हूँ ताकि ना फटाफट बन जाए। और बस चावल बनाऊँगी, दाल मैंने बना लिया था, और यहाँ पे मसाले बहुत अच्छे से भून रहे हैं, तो मैं इसमें बेसिक मसाले डाल रही हूँ, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च सब मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे कोफ्ते बहुत अच्छे से पक गए हैं, तो बताना आप लोगों को बिहारी स्टाइल में केले के कोफ्ते आप लोगों को कैसे लगे बताना जरूर गाइज। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, जो बहुत लोग आते हैं ना लाइक नहीं करते हैं, बहुत लोग आते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो वॉच करना और प्लीज़ सपोर्ट करना गाइज। तो यहाँ पे मसाले भून चुके हैं, देखो कोफ्ते बहुत अच्छे से पक चुके हैं, बहुत अच्छे से इसे मैंने ना एकदम मीडियम आँच पर ही पकाया है। तो यहाँ पे मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं, तो अब इसे थोड़ी देर में और इसे फ्राई करूँगी, भूनूंगी बहुत अच्छे अच्छे मसाले को ना, बहुत धीमी आंच पे ही भूनना चाहिए, क्योंकि किसी भी सब्जी या कुछ भी बनाने से मसाले का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जब तक सोंधी सोंधी सी खुशबू ना आए, मतलब तेल ना छोड़ने लगे, तब तक मसाले को भूनना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसमें ना पानी डाल दिया है, और ऊपर से मैं इसमें नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, और गर्म मसाला मैं डाल रही हूँ, और इसे मैं ढक दूँगी, और जब ये अच्छे से खोल जाएगा बहुत अच्छे से, तो अब इसकी ग्रेवी मैं देख लूँगी मुझे कैसा रखना, ग्रेवी ज़्यादा कम जो भी, तो उसके बाद ही मैं इसमें कोफ्ते डालूँगी। पे ना काफ़ी अच्छे से ग्रेवी पक चुकी है, तो मुझे ना मतलब चावल के साथ ही खाना था तो मैंने इसमें ग्रेवी थोड़ी रखी हुई है। तो ग्रेवी क्या होता है ना कि थोड़ी देर के बाद ग्रेवी थोड़ा सूख भी जाता है, इसलिए ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा ही रखो, तो ना बाद में ठंडे होने के बाद ना ग्रेवी पूरा मतलब ये हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी मैंने ग्रेवी ज़्यादा रखी है। और देखो बहुत अच्छे से बन चुका है, कोफ्ते बहुत अच्छे से पक चुके हैं, तो अब मैं ना इसे बंद कर दूंगी, ज़्यादा नहीं पकाना इसके बाद, नहीं तो कोफ्ते ना टूट सकते हैं। तो देखो बहुत अच्छे से, और बहुत देखने में ना यम्मी यम्मी सा, टेस्टी टेस्टी सा लग रहा है ना, तो काफ़ी टेस्टी भी बना था। और यहाँ पे कोफ्ते पक चुके हैं, आइए आप लोग भी खाइए कोफ्ते, और इस मानसून में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब मैं ना आप लोगों को दिखाती हूँ कि कोफ्ते कैसे बने हैं, तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करना ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ले करके आऊँ।
और यहाँ पे देखो कोफ्ते कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो इस तरह से, और मैं ना अंदर से भी काफ़ी अच्छे से पके हुए हैं, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे से पकाओ ना तो थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा हो जाता है, इसलिए इसे एकदम मीडियम आंच पे ही पकाना चाहिए। देखो अंदर से भी काफ़ी अच्छे से पके हुए हैं कोफ्ते। तो बताना ज़रूर आप लोगों को बिहारी स्टाइल में ये कोफ्ते कैसे लगे। और ये थोड़ा सा गर्म हो रहा, देखो मैं दिखा रही हूँ, अंदर से भी काफ़ी अच्छे से पके हुए हैं। तो तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।